सोशल मीडिया पर मणिपुर से जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खुले मैदान में कई लोगों की धुआंधार फायरिंग करते हुए तस्वीरें हैं। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये लोग आधुनिक हथियारों से सुरक्षाकर्मियों पर गोलियों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मणिपुर में स्थिति सामान्य है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे हैं, जबकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रभाकर इस समिति के सदस्य हैं। ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रहा है, जिसमें खुले मैदान में कई व्यक्तियों को धुआंधार फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है कि कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये लोग पर गोलियों की बरसात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल है, लेकिन वीडियो वो क्या वाकई सही है, इसकी जांच जरूरी थी। पड़ताल के लिए 3 बातों को ध्यान में रखा गया। क्या वायरल वीडियो वाकई मणिपुर का है? क्या वाकई आधुनिक हथियारों के जरिए सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया, या वायरल वीडियो के जरिए गलत जानकारी शेयर की जा रही है? इन बातों को ख्याल में रखते हुए हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। वीडियो के कुछ ग्रैब्स निकालकर उसे रिवर्स सर्च किया गया, जिसके जरिए फैक्ट चेक टीम म्यांमार के एक न्यूज आउटलेट्स के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पहुंची। इसके एक पोस्ट में वायरल वीडियो का लंबा संस्करण मिला। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था, कलाए इलाके में एसएसी और नागरिक सैनिकों के बीच एक झड़प हुई, जिसमें राज्य प्रशासन परिषद के 15 सैनिक मारे गए। इस मिले क्लू के आधार पर पड़ताल को आगे बढ़ाया गया। लगातार सर्च करने पर बीबीसी बर्मीज का आधिकारिक फेसबुक पेज मिला, जिसमें 28 मई 2023 के वीडियो का एक की फ्रेम शेयर किया गया था। तस्वीर के कैप्शन के अनुसार, म्यांमार के कलाए शहर में झड़प के दौरान सैन्य परिषद के कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। बीबीसी बर्मीज के फेसबुक अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीर की वायरल वीडियो के की फ्रेम से तुलना करने पर साफ पता चलता है कि ये दोनों एक ही घटना के हैं। म्यांमार प्रेस फोटो एजेंसी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 27 मई को म्यांमार के थारसी गांव के पास हुए एक हमले में 30 सैनिकों के मारे जाने की सूचना मिली थी। इस तरह वायरल वीडियो के फैक्ट चेक से ये साफ हो गया कि वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का मणिपुर से कोई संबंध नहीं है, ये वीडियो म्यांमार का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।